एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हार्डकोर सीरीज के एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 में हमने अपना स्टार्टर बेस बनाया, कस्टम वीट फील्ड और उसके बाद कस्टम क्लिफ बनाई। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो अभी जाकर एपिसोड 1 देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड शुरू करने से पहले जो वीडियो का लाइक गोल है वो रखते हैं 300 लाइक्स। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कर देना यार। मैं कुछ टूल बना लेता हूँ, मुझे एक बो की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा एक बो बन चुका है और यहाँ पे हमारे पास कुछ डायमंड्स है, तो एक जो एक्स है और एक शवल हम आराम से बना सकते हैं। तो ये बन गया शवल और उसके बाद एक बना लेता हूँ मैं एक्स। तो ये बन गई हमारी एक्स। इनको इंचांट कर लेते हैं, देखते हैं क्या। एफिशिएंसी 4, ओके मैं ले रहा हूँ एफिशिएंसी 4। अनब्रेकिंग 3, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है। पंच 2, ओके नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी 4 आई थिंक ये ले लेंगे हम, ये ले ले, ये अच्छी। हमें चाहिए कुछ डायमंड्स क्योंकि हमें अपना टूर बनाने हैं, अपना आर्मर बनाना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे डायमंड चाहिए होंगे। और अब मेरे पास फॉर्च्यून 3 है तो आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं थोड़ी सी डायमंड की माइनिंग करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके सो फॉर्च्यून 3 ने अपना काम कर दिया, तो अब हम हेलमेट बना लेते हैं। एक चेस्ट पीस जो है वो मैं बना लेता हूँ और उसके बाद लेगिंग्स बना लेते हैं और हमें बनाने हैं बूट्स। तो उसके बाद गाइस हमारे पास बच चुका है एक डायमंड। इनको एन्चांट करते हैं, देखते हैं क्या। एफिशिएंसी 4, ओके अगर अनब्रेकिंग मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बट अभी के लिए जो वो ठीक है। हमारे जितने भी ट्रीज हैं ये सब ग्रो हो चुके हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि हमारी एफिशिएंसी 4 वाली जो एक्स है उसको काम पे लें और देखें कि वो कैसा काम करती है। तो यहाँ पे मैं सारे ट्रीज को चॉप कर लेता हूँ क्योंकि हमें आगे जो है वो बिल्डिंग के लिए इन सारी रिसोर्सेज की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है हम ओक को जो है वो चॉप कर लेते हैं, और ओक वुड जो है इसको ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे यही चाहिए। और उसके बाद हमारे पास डार्क ओक है। डार्क ओक तो बहुत ईजिली हम कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 4x4 का ट्री होता है, तो मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और उसके बाद गाइस सबसे आसान जो वुड है वो है स्प्रूस, जो बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है बिल्ड्स में। तो ये सब हम जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, और एकेशिया भी थोड़ी सी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एकेशिया भी कहीं कहीं हम जो अपने बिल्ड में जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। सो वक्त आ गया है कि अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करने चलें। जब से हमने ये वर्ल्ड बनाया है हमने थोड़ा भी एक्सप्लोर नहीं किया, तो अब मुझे जो वो तलाश है एक विलेज की, क्योंकि गाइस हमें विलेज से मिलने वाले हैं बहुत सारे विलेजर्स जो कि हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, हमें कैरट्स मिलेंगी और पोटैटोज मिलेंगी। तो विलेज ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए चलते हैं। ये सामने विलेज है ना, ओह हमें मिल चुका है गाइस, विलेज मिल चुका है। और ये एक एकेशिया विलेज है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी लूट तो नहीं मिलेगी, बट फिर भी जाके देखते हैं एक बार क्या मिलता है। ओके यहाँ पे कुछ वीट है और कुछ फूड है, फूड तो हमारे पास बहुत है हमें नहीं चाहिए। और उसके आसपास देखते हैं कहीं पे अगर हमें कुछ क्रॉप्स मिल जाएंगी। हमें जो है वो कैरेट्स और पोटैटोस चाहिए, तो वो अगर मिल जाए यहाँ से बैला ले लेता हूँ मैं बैल। ओके तो ये एक फार्मर है, हाँ ठीक है। इन विलेजर्स को जो है वो हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और ये हमारे बेस से इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना जो बहुत ज़्यादा इजी होगा, मतलब इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है बट ठीक है, मतलब कहीं दूर से नहीं लाने। और कुछ ब्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। हेलो आयरन गोलम, क्या हाल चाल। ओके तो यहाँ पे मुझे कुछ कैट्स भी दिखाई दे रही है, मे बी हम अगर किसी को पेट बना सकें। यहाँ पे सिर्फ वीट के सीड मुझे दिखाई दे रहे हैं और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और वीट जो है उसकी सीड मुझे नहीं चाहिए। एक मेलन सीड मिला, ओके ओ इसको हम पेट बनाने वाले हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन किटी, हेलो हेलो। ओके गाइस सो हमारा पहला पेट जो है हमें मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में इसके लिए एक प्यारा सा नाम ज़रूर सजेस्ट करना। ओ ये कितनी क्यूट है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। ओके गाइस इन दोनों के लिए एक प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें गाइस। ओ वाओ चलो आ जाओ आ जाओ। ओके सो ओ माय गॉड ये क्या जगह है, वाओ ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे तो एक बेस बनाना बनता ही है भाई, ये क्या जगह है, वाओ यहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, तुम भी यहाँ पे आ जाओ और तुम भी आ जाओ। तो यहाँ पे मैं इनको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ और इनके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं फिर से वापस आऊँगा और इनको वापस लेके जाऊँगा। ओ ये फ्लावर तो बिल्कुल हमें चाहिए, हमें इनसे डेकोरेशन करनी है। और रेड बुशेज अगर मिल जाएंगे तो वो भी मैं ले लूँगा। तो ये पियोनीज जो है वो ले लेते हैं, ये डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इनको कलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके, ओ माय गॉड गाइस, वाह, एक पिलेजर आउटपोस्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम आके इसको एक एमरल्ड फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। सो आई थिंक के हम इसको यहीं पे छोड़ दें, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं चलते, अभी नहीं चलते, अभी जो है इसके आसपास से निकल जाते हैं, और यहाँ पे हम वापस आएंगे और इसको एक एमरल्ड फार्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, मैं अभी चलता हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम फिर वापस आएंगे और इसको एक एमरल्ड फार्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो बहुत सारे एमरल्ड हो जाएंगे। ओ शिपरैक, चलो देखते हैं क्या मिलता है। अगर एक बरी ट्रेजर मैप मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओ वाह, बरी ट्रेजर मैप, ठीक। अगर उसमें हार्ट ऑफ द ओशन मिल जाए, वाह मज़ा आ जाएगा। ओके, इतना दूर नहीं है, नज़दीक ही है। यहाँ से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, लेदर के बूट से मेंडिंग, ठीक है ले लेंगे, स्नो में काम आएंगे। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, और उसके बाद इस ट्रेजर को ढूंढते हैं। चलो चलते हैं। ओ, ये एक स्नो विलेज है ना, वाओ। तो हम यहाँ पे स्नो विलेज में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, क्रॉप्स तो मिल जाएंगे, आई नो। एक बार इसको लूट लेते हैं जल्दी से। वाओ, ये कितना अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे देखते हैं जल्दी से, और मे बी हमें यहाँ पे क्रॉप्स मिल जाएंगे। ये देखो, ओके, हमें क्रॉप्स मिल चुकी हैं, जिसके लिए हमने इतना ट्रैवल किया वो हमें फाइनली जो वो मिल चुकी हैं। यहाँ पे पोटैटोज हैं, और प्लीज़ 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 कैरेट, यहाँ पे कैरेट भी है। ओके, हमें सब कुछ मिल चुका है, तो अब हम एक विलेजर ब्रीडर जो है वो आराम से बना सकते हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, ये ले लेता हूँ। ओह, ये कितना क्यूट है, वाह। अरे ओ भाई, ओ निकलो 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 निकलो, इसके साथ बेबी था, इसके साथ बेबी था, हमें यहाँ पे नहीं आना था। ओ, ये हमारे पीछे है ना, ये हमारे पीछे, अभी भी पीछे है, अगर मैं इसके हाथ लगे ये मुझे मार देगा। निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं, जल्दी जल्दी। ओ, अभी पीछे, अभी भी पीछे, अभी भी पीछे। अरे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। ओ, हमें इसके सामने नहीं जाना चाहिए था। जब भी एक पोलर बेयर के साथ उसका बेबी हो, उसके सामने कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, नहीं तो ये हॉस्टाइल हो जाता है। ओ, बच गए बच गए। आई थिंक हम पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे मार्क के ऊपर हम जो है वो आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिक करते हैं, और हमें मिल जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मुझे मिलता नहीं है, बट आई थिंक इस बार मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इसके सैंडस्टोन के नीचे होगा क्या? ओ मिल गया, वाओ डायमंड्स, यहाँ पे डायमंड्स हैं, बहुत सारा आयरन है। ओ भाई, हम अमीर हो गए, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। ये वाली ले लेता हूँ, और हार्ट ऑफ द ओशन, अब हम एक कॉन्ड्यूट बना सकते हैं। वाओ नाइस, ये सब ले लेते हैं। ओ वाओ, क्या गुडीज़ हैं, क्या गुडीज़ हैं। ये ट्रेजर मैप अभी के लिए छोड़ देता हूँ। ओ शिट, मुझे ये भी लेने थे, बट कोई बात नहीं। सीट में क्या करूँगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया, अब चलते हैं अपने बेस पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, और मुझे अभी बहुत सारा टाइम लगने वाला है वापस जाने में। सो एक बार बेस पे चलते हैं, और उसके बाद मुझे एक स्पॉनर भी मिला है, तो मे बी हम उसको एक्सपी फार्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये सारा एरिया जो है वो लाइट अप हो चुका है, और लास्ट एपिसोड में जब यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत माइनिंग कर रहा था और इस एरिया को लाइट अप कर रहा था, मुझे ये स्पॉनर मिला, और ये एक स्केलेटन स्पॉनर है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब जो है मैं यहाँ पे इसको एक एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। सो मुझे कुछ ऑब्सीडियन चाहिए, ताकि मैं जो है वो एक नेदर पोर्टल बना सकूं, और हम नेदर में जा सकें। तो ये बन गया हमारा नेदर पोर्टल, हमें कुछ सोल सेंट चाहिए, और आई होप कि मुझे एक अच्छा स्पॉन मिले नेदर में। लेट्स गो, देखते हैं क्या मिलता है। ओके चलो, ओके सो हम आ चुके हैं नेदर में, और जैसे कि आप देख रहे हैं, वाह सोल सेंट वैली, ओ माई गॉड, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बट मुझे सोल सेंट ही चाहिए थी। ये ले लेते हैं जल्दी से, कलेक्ट करते हैं। ओके गास्ट, ओके गास्ट, गास्ट गए गए, मर गए मर गए मर गए मर गए, जल्दी से अंदर चलते हैं। ओह शिट, ओके सो वो कहीं आसपास ही है। अब हम अगर अंडरग्राउंड यहाँ से डिग करते हुए जाएंगे अपने पोर्टल तक, तो शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत बुरा स्पॉन,
चलते हैं जल्दी से प्लीज़ 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 शूट मत करना, प्लीज़ शूट मत करना। ओ माई गॉड गाइस, हमारा स्पॉन बिल्कुल बेकार स्पॉन है, बिल्कुल बेकार है, मुझे यहाँ पे प्लेस नहीं करना है। सो ये लग गया हमारा सोल सैंड और आई थिंक कि अब ये बबल वेटर में कहाँ कन्वर्ट हो चुका है, और अब अगर यहाँ पे स्केल्टन आते तो वो सीधा जाएंगे उनको शूट में और वहाँ से गिरेंगे जहाँ पे मैं उनको मारना चाहता हूँ। तो ये हो गया है, अब चलते हैं वापस और उसके बाद ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, अब मुझे बस सिर्फ लाइट्स यहाँ से हटानी है। ओके ये रही लास्ट लाइट और यहाँ पर हमारा ये काम करने लग गया। ओके सो अभी जो है मुझे जाना है अपने जहाँ पर किलिंग चैम्बर और देखते हैं कि क्या ये स्केल्टन्स वहाँ पर आते हैं, यहाँ से आ जाएंगे नीचे। और ये रहा हमारा किलिंग चैम्बर, यहाँ पे मैंने हॉपर लगा दिया, मुझे एक स्लैब लगाना है इसके ऊपर, तो चलो देखते हैं। ओके गाइस हमारे विक्टिम्स आ चुके हैं जो हमें बहुत सारी एक्सपी देने वाले हैं, तो अब वक्त आ चुका है गाइस इस जो है एक्सपी स्पॉनर को कन्वर्ट करने का और इसको अच्छा दिखाने का। तो इस पर मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है वो मिलते हैं। सो चलिए एक बार दिखा देते हैं कि आपको हमारा ये स्केलेटन टावर कैसा बना है। तो यहाँ पे ये वाला है छोटा सा टेम्पररी एरिया, यहाँ पे मैं स्टोरेज के लिए जो इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ये स्टोरेज एरिया हो गया। और उसके बाद गाइस अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये है हमारा मेन टावर, और उसके बाद यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं अपने स्पॉनर के पास और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे रूम्स हैं, बस मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ऐड किए हैं, बट सबसे टॉप वाला जो रूम है ये है हमारा एन्चांटिंग सेटअप यहाँ पे लगा हुआ। तो हम नीचे से लेवल जो है वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपने टूल को जो ओ फॉर्चून थ्री, तो यहाँ पर हम अपने टूल्स को जो है वो एन्चांट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके ऊपर फॉर्चून थ्री ले लेता हूँ क्योंकि मेरे जो डायमंड की पिकेक्स थी वो टूट चुकी है। ओके फॉर्चून थ्री एफिशिएंसी फोर, नाइस। और उसके बाद अब हमें कुछ और एन्चांटमेंट चाहिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मुझे लेगिंग्स के ऊपर देखता हूँ क्या है, प्रोजेक्टाइल है नहीं चाहिए। तो चलिए चलते हैं नीचे, एक्सपी जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सपी जो है वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद सीधा ऊपर आएंगे और यहाँ पर अपनी एन्चांटिंग जो है वो करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे का जो एरिया है वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया कुछ इस तरह का लग रहा है और यहाँ पे हमारे स्केल्टन आ रहे हैं जो सीधा जा रहे हैं इस चेस्ट में उनके ड्रॉप्स। तो ये मतलब काफ़ी एक अच्छा जो है वो मेथड है। तो थोड़ी एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं, लेवल 30 हो गए और थोड़ी सी एन्चांटिंग करेंगे अब। सो हमें मिल रहा है एफिशिएंसी 3। ओके मुझे चाहिए ये क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला उसके लिए मुझे एक डायमंड शवल जो है वो चाहिए, बट एफिशिएंसी 4 मिलेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन वगैरह मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और हम जो है अपनी एन्चांटिंग अब धीरे धीरे शुरू कर देंगे, तो इन सारी चीज़ को मैं एन्चांट कर दूंगा। ओके सो यहाँ पे मैं कुछ जो है वो रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब जो हम बनाने वाले हैं वो है एक एनिमल बार्न, क्योंकि मेरी जो काउज हैं वो अभी तक बाहर हैं और शीव सी हमें चाहिए होंगी। सो थोड़े से और रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डीप स्लेट मुझे चाहिए अपने एनिमल बार्न के लिए, और डीप स्लेट कलेक्ट करते करते हमें मे भी कुछ डायमंड्स भी मिल जाएंगे जिससे हम जो है अपने टूल्स वो बना लेंगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है वो डीप स्लेट जो है वो कलेक्ट करता हूँ, और डीप स्लेट को माइन करना है एक आयरन के टूल से जो है बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी मुझे ओक की वुड चाहिए होगी। सो यहाँ पे सारी रिसोर्सेज कलेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए अब बनाते हैं अपना एनिमल बार्न और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। सो चलिए बनाते हैं।
क्या दे रहा है? कुछ भी खास नहीं दे रहा है ये। ओके सो फ्री की लीड्स ले लेते हैं जल्दी से। अरे 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 ओके तो यहाँ पे लीड मिल चुकी है, लेदर मिल चुका है। यहाँ पे एक और लीड मिलने वाली है। ओके दो लीड मिल चुकी है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? हेलो आ जाइए इधर 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 इधर। अबे ये कितना भाग रहा है। ओके सो यहाँ पे हेड देने के लिए बहुत ज़रा शुक्रिया। सो आ जाओ काउस आपके नए घर में। तो आपका नया घर बन चुका है, आ जाइए आ जाइए। ओके ये आ गई आ गई आ गई आ गई, अंदर आ जाओ। ओ मुझे ये तोड़ना पड़ेगा क्या? ओके ये तोड़ देते हैं अभी के लिए। आ जाओ काउस। अरे इधर 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 इधर। ओके अब मुझे जल्दी से बाहर जाना है, ठीक है। ओके अब मुझे बाहर निकलना है। सबसे पहले तो वीट हटाना पड़ेगा मुझे हाथ से, क्योंकि ये मेरा पीछा करेंगे। ये लैंटर्न ले लेते हैं और उसके बाद चलो निकलते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बांध कैसा बना हुआ है। ओके ये हो गया। सो गाइस चलिए मैं चलते हैं आपको, और मैं दिखाता हूँ कि आपको हमारा एनिमल बांध कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ पाथवे है जिसके आसपास जो एजीलिया के मैंने ट्री लगा दिए, और मतलब नाइट में तो बहुत ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लगा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो यहाँ पे जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये वाले हमारा अंदर का एरिया है। यहाँ पे इस साइड हमारी काउज रहेंगी और यहाँ पे इस साइड जो है हमारी शीप्स रहेंगी। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। सो हमारा एनिमल बांध बन चुका है। तो आज की वीडियो है वो हमें अब ख़त्म करनी पड़ेगी, यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे कहीं से भी नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे जो है वो फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। बट गाइज एपिसोड एंड करने से पहले मैं एक कस्टम ट्री बना लेता हूँ, और ट्री बनाने के बाद जो है इस एपिसोड को एंड करेंगे एक प्यारे से सिनेमैटिक सीक्वेंस के साथ। सो यहाँ पे मैं ट्री बना लेता हूँ और इस एपिसोड को एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना रखें, अपने गर्ल वालों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।